आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया, जो कि होली में बनना तो बनता ही है। इसलिए जो है आप देखिए ये गुजिया बनकर कितने इतने सुंदर दिख रहे हैं। तो चलिए हम बनाते हैं आज मावा की गुजिया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे श्री शक्ति जायका चैनल पे। और मैं जो है होली के त्योहार आने पर गुजिया बनाने जा रही हूँ। तो मैंने मैदा जो है मोहन डालकर सान लिया था, बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। और इसके भरावन के लिए मैं ये देखिए ये मावा है मेरा, और इसमें जो है मैंने सूजी और पिसी हुई शक्कर और ये ड्राई फ्रूट्स मिलाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए जो है हम बनाते हैं गुजिया। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर गुजिया बनाकर बता रही हूँ आपको। मेरे पास सांचा है और उसमें जो है मैं ये मावा का जो डो बनाई हूँ उसे इस तरह भरूंगी। और भरने के बाद फिर जो है हम किनारे से मैदे का घोल तैयार करके रखे हुए हैं, तो उसे हम इसमें किनारे से लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, ऐसा भरने के बाद थोड़ा हम इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये दब जाए। और ये यहाँ देखिए किनारे से हम इसे लगाएंगे, और लगाने के बाद हम इसे ऐसा पलट कर दबा देंगे। तो ये देखिए हमारी गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार हो रही है। और ऐसे ही जो है हम सारी गुजिया को बना लेंगे, और बनाने के बाद फिर हम इसे तलेंगे। एक और मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिए ये यहाँ पर हम ऐसा भरेंगे इसको। ये हमारा डो बिल्कुल बनकर तैयार है, हमारी होली स्पेशल गुजिया। ठीक है, तो आप भी जो है घर में इसे ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको ये गुजिया मेरी कैसी लगी। और एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए। ये इस त्योहारों में अगर गुजिया ना बने तो त्यौहार का मज़ा जो होता है वो थोड़ा किरकिरा हो जाता है। तो इसलिए गाइस गुजिया बनाना और सभी को खिलाना भी। ये देखिए मेरी गुजिया बनकर तैयार है, और मैं जो है अब इसे फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरी गुजिया यहाँ तेल मेरा गरम है, और मैं इसमें इसे तल कर दिखा रही हूँ। अब इसे हम ऐसे तल लेंगे, और तलने के बाद फिर इसे हम पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे गुलाबी होने तक। आप देखिएगा इसे हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई। फ्रेंड्स, हमारी गुजिया बनकर देखिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो देखकर मुंह में पानी आ रहा है आपके। तो ऐसे ही आप भी जो है बनाइए और घर वालों को भी खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।